What is the people आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूडी विशाल और अमेरिका में थैंक्सगिविंग स्टार्ट हो चुका है और हम लोग थैंक्सगिविंग की शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, घूम फिर के रात हो गई आते आते और अभी हम पहुंचे मॉड पिज़्ज़ा में, एमओडी मॉड पिज़्ज़ा। बेसिकली ये डोमिनोज से थोड़ा अलग है, यहाँ पे आप अपना पिज़्ज़ा कस्टमाइज़ करा सकते हैं, आपको किस टाइप का बेस चाहिए, किस टाइप की टॉपिंग्स चाहिए, चीज़ कौन सा चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कैसा है, कितने का है और टेस्ट में कैसा है, आपको भी बताऊँगा मैं। एक पिज़्ज़ा हम बनवाते हैं और फटाफट आपको बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। लेट्स गो। तो एक तो रेगुलर बेस है, एक कॉलीफ्लावर बेस है, यहाँ पे कॉलीफ्लावर क्रिस्पी चीज एंड सुपर रेडिकल मैन। तो हमने कॉलीफ्लावर भी लिया है, ये दिस वन इज रेगुलर बेस राइट, कॉलीफ्लावर हो, ये कॉलीफ्लावर का बेस है और देखने में बड़ा मस्सा लग रहा है। आई थिंक ये उत्पम टाइप लग रहा है कुछ, और एक रहता है वहाँ पे रेगुलर बेस रहता है। और ये आपके सामने फ्रेश बेक करते हैं, तो ये फ्रेशली हमारे सामने बना रहे हैं। This is the regular one. Okay, fine. तो दोनों हमारे बेस आ गए। बताते जाना। All veggies. Red sauce? Yeah, red sauce. Tomato sauce? Yes. तो ये टमाटो सॉस लग गई हमारे पिज्जा के ऊपर। Any cheese? Yes. Any greens before the cheese? Any greens like I want garlic. Okay. ये नॉर्मल मोज़रेला चीज़ था। और दूसरे पिज़्ज़ा के लिए भी हम सेम ही करवा रहे हैं। ये चिल्ली सॉस होती है नॉर्मल, ओके mushroom. Okay. What else? And then... ये पाइनएप्पल डलवा लिए, मशरूम्स डलवा लिए, हैलोपिनोस डलवा लिए, कैप्सिकम, टोमेटो, कॉर्न। All right, what else? Capsicum, the red one. Yes, sir. Bell pepper, yes. Yep. All right, what else? Corn. Humbug. This one is roasted garlic. Yeah. Roasted garlic on the normal one. Okay. ये ऊपर थोड़ा चीज़ डाल। Can you put little bit more cheese on the top? Cheese, yeah. How about? Yeah. What else? Right? Done. Okay. तो पिज़्ज़ा हमारा बेक के लिए जा रहा है और ये वुड फायर में होता है, नॉर्मल होगा ना। हाँ अच्छा, वुड फायर। तो ये वुड फायर ओवन है इनका, हो लुक एट दिस, और इसी में हमारा पिज्जा बेक होगा। वुड फायर बेसिकली जो लकड़ी वगैरह होती है उसको जलाते हैं, उसका ओवन होता है, कोई गैस वगैरह नहीं होता।
ये इन्होंने हमारा पिज्जा यहाँ लगा दिया है। हमारे दोनों पिज्जा लग गए, देखने में बड़ी मस्त लग रहे हैं। और ये गया पिज्जा अंदर, अब देखते हैं थोड़ी देर में बाहर आएगा, उसके बाद आपको दिखा दें। I've been working at Stoic School. Which school you go? I go to BC. Okay, great. ओके, ये बार बार इसीलिए मूव कर रहे हैं इसको, बिकॉज ताकि बॉटम से वो जल ना जाए, और बिकॉज बॉटम काफ़ी हॉट है, और क्रिस्प कर रहे हैं उसको मूव कर करके। ओके, बेसिकली इसको उठा के देखते हैं कि अभी फ्लपी है, क्रिस्प हुआ है, नहीं हुआ है। बन के आता है उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है। नाउ इट्स नॉट फ्लपी। तो इन्होंने अब उठा के देखा, वो नहीं मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये रेडी है। और ये लिटिल ओके, दिस विल टेक मोर टाइम। दिस हमारा ये पिज्जा रेडी है, डन। हमारे दोनों पिज्जा आके रेडी हो गए, और मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ एक बार। So sriracha both? Yep. So they're gonna get a sriracha swirl. कौन सी sauce? Sriracha. It's like sriracha and ranch. Okay. Sugar. Spicy होती है? Yep, it's spicy. Okay. And voila. Here you guys go. So it's done now. Yep, that's done. Our pizza is ready. You guys have a good rest of your night, okay? Thanks. अपनी वॉल्यूम ना, हाँ। तो ये हमारे दो पिज्जा आ गए हैं, एक पिज्जा की तरफ दिखाएं जरा। ये हमारा कॉलीफ्लावर बेस है, ये बेस, अब देखो कितने मजे की चीज है। बेस जो है इसका कॉलीफ्लावर वाला है, रेगुलर बेस नहीं है जो मैदे का होता है। देखने में देख लो आप एक बार, क्रिस्प है काफी। बेसिकली कॉलीफ्लावर का ये आटा कुछ बना के उसका बेस बनाते हैं। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और मज़ेदार है, पता नहीं चल रहा कि कॉलीफ्लावर का ही है एक्चुअली। लवली, ये रेगुलर बेस वाला है। इसका ट्राई करते हैं। टेस्ट काफी अच्छा है, मजेदार है, और दोनों ही मुझे पसंद है, बढ़िया चीजी पिज्जा है। पैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कितने का है। हमने दो पिज्जा लिए, दोनों का रेट सेम है, 8.67 रुपीज का डॉलर का एक पिज्जा है, तो दो हो गए 17.34 डॉलर के। कॉलीफ्लावर क्रस्ट के $2 एक्स्ट्रा है, तो टोटल हमारा बना $19, टैक्स इसमें लगा वन, इतना टोटल $21 अप्रॉक्सीमेटली, 1400-1500 रुपीज के दो पीज हैं। इंडिया के हिसाब से काफी कॉस्टली है, आप लोग कमेंट करते हैं बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, बट इंडिया के हिसाब से महंगा है, बट यहाँ के हिसाब से नॉर्मल है। मतलब डोमिनोज से कॉस्टली है ये, बट अच्छा है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और इसी के साथ हम पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं।
आप लोग अमेरिका की चीज़ें ऐसी इंजॉय करते रहिए। शुक्रिया।